हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूस गुड लाइफ। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल मजे में हूँ। तो गाइज, आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो जो है वो मस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे एपी पे एंड यूट्यूब पे, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि मैम आपकी जो रेसिपी है वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो प्लीज़ मैम आप मटन करी की रेसिपी मेरे साथ शेयर। सो आज मैं उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पे आज की ये वीडियो लेके आई हूँ। गाइस, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट आते हैं उनको पढ़ के मुझे बहुत ही प्राउड फील होती है कि मैं आप सबको क्या ही बताऊँ, मुझे कितनी खुशी होती है उन सारे कमेंट को पढ़ के। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और गाइस, अभी मैं चलती हूँ मटन करी बनाने और उसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर ही प्रेस करना, मेरे आने वाले वीडियो के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिले। और फिर मैं चलती हूँ मटन करी बनाने। सो गाइज, अगर कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके एक बार बता देना, मैं आप लोग के लिए उन सारे टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। हाँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि आओ तो देखो टमाटर तोड़ के खा लेना। कड़ी बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन लिया है। आप देख सकते हैं मैंने जो भी मटन लिया है वो कितना फ्रेश है। ऑल्सो आप लोग भी पीस कोई भी है चलेगा, बट कोशिश करना कि मटन जो भी हो वो फ्रेश मटन हो। मटन में डालने के लिए हमने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें चॉप किया हुआ प्याज है, लहसुन है, छिलका उतारा हुआ लहसुन, खड़ा लहसुन भी लिया है हमने, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, और यहाँ पे जीरा और ब्लैक पेपर, ये काली मिर्च जो होती है वो है, खड़ा लहसुन है, लाल मिर्च है और तेजपत्ता है। इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को सबसे पहले हमने कुकर को गर्म कर लिया और फिर इसमें डालेंगे तेजपत्ता, लाल मिर्च, फिर ये जो खड़ा धनिया, सॉरी धनिया बार बार बोल रही हूँ, खड़ा जीरा है और ये काली मिर्च है, इसको डालेंगे। और फिर हमने इसमें डाला ऑयल और जो छिलके उतारे हुए हमने लहसुन रखे थे उसको डालेंगे। जब लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे थोड़ा फ्लेम को लो करेंगे और फिर इसे पकाएँगे। अब प्याज डालने के बाद हम थोड़ी देर प्याज को पकने देंगे। जब प्याज जब तक पक रहा है तब तक इधर हम मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर इसमें डालेंगे जीरा, जीरा कुछ जीरा है जिसे कि हमने पेस्ट बना लिया है, और फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इसे फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर 5-10 मिनट इसे ढक के रख देंगे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। मटन को पहले बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे पकाना है और फिर सेकेंड टाइम हम मटन को ढकेंगे उस टाइम मटन को बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकाना है। इससे मटन जो है वो अच्छे से पक पाएगा, अच्छे से गल पाएगा। ऐसे आप चाहें तो सीटी भी लगवा सकते हैं, बट मैं कभी भी सीटी नहीं लगवाती हूँ, इससे मटन के टेस्ट में थोड़ा तो चेंजेस आ ही जाता है। सो गाइस, मैं यहाँ डाल रही हूँ गरम मसाला, गरम मसाला का पाउडर, ऐसे मैंने पाउडर खुद से बनाया, मार्केट का खरीदा हुआ पाउडर नहीं है। और फिर इसमें गरम मसाला का पाउडर डालेंगे, इससे मटन में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा।
अब गैस को ऑफ कर देना है एंड गाइस प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब पूरी तरीके से कुकर ठंडा हो जाए तो फिर कुकर का ढक्कन खोलेंगे और देख लो को ढक के बस 3 से 4 मिनट और पकाएंगे और फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ कर देना है एंड गाइस प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब प्रेशर कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर ढक्कन को खोलना है और देख लो ऑलमोस्ट तैयार है हमारा मटन। और अब आप देख लो कलर भी कितना अमेजिंग है एंड तेल भी बिल्कुल से अलग हो चुका है। तो ये है हमारा मटन कढ़ी और बढ़िया तरीके से ये गल भी चुका है। एंड गाइस आपकी मेहनत भी कम और आप बड़ी क्वांटिटी में बहुत ही आसान तरीके से ये मटन करी आप बना सकते हो। बहुत ही इजी है इसे बनाना, आप खुद से देख सकते हो। सो गाइस मटन मसाला करी बिल्कुल ही बनके तैयार है। इससे इसमें मेहनत भी बहुत कम लगा है और बहुत ही यूनिक फ्लेवर इसमें आया है क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है। सो गाइस आप भी एक बार तो बना के देख सकते हो, एक बार बनाना तो बनता ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे देना, शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। सलाह से चाहिए तुमको, देखिए अच्छा समय बैठिए, वहाँ टमाटर भी है, समय तोड़ लेना ठीक है। सो गाइस पूरे दिन के बाद दौर से मैं बिल्कुल थक गई हूँ और अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी करूँ। निकाले मुझे बिल्कुल लो लो फील हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने और फिर यहाँ सोना। आप लोग माँ को बुलाइए। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अब फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।